नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कम धनराशि में, कम अमाउंट में, कम रकम में, और कैसे आप एक अच्छे से बिजनेस या अच्छा मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं चप्पल्स का, चप्पल स्लीपर्स बनाने के, मतलब मैन्युफैक्चरर आप बन सकते हैं और अच्छा खासा बिजनेस आप कमा सकते हैं, अच्छा खासा रकम आप हर महीने कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा और देखिए ऐसे ऐसे बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसीजर स्टार्ट टू एंड मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पहले तो आपको जो स्लीपर बनते हैं उसका शीट लेना पड़ता है, एक बंडल आता है, 400 रुपये का, और वो बंडल में आप 17 जोड़ी तक के स्लीपर्स बना सकते हैं, काट सकते हैं, और इस मशीन से उस शीट को बैलेंस किया जाता है। उसके बाद उस फ्रेम को काटा जाता है, ऐसे काटने के बाद उस देखिए ऐसे 17 जोड़ी आप वो एक शीट बंडल से काट सकते हैं, मतलब पूरे बंडल में 17 जोड़ी आप आराम से काट सकते हैं। देखिए फिर बाद में उसको जोड़ा जाता है ना, गिना जाता है कि हाँ कैसे हैं कैसे नहीं है, अलग अलग प्रिंट के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिज़ाइन के आपको शीट मिल जाएंगे, अलग अलग कलर के। देखिए ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के आपको शीट मिल जाएंगे डिज़ाइन, ये देखिए हर शीट ऐसा ऐसा रहेगा, काटने के बाद वो अलग बनता है। देखिए अलग अलग वैरायटी के आपको शीट्स मिल जाएंगे स्लीपर्स के। उसके बाद वो कटे हुए शीट्स को इस मशीन के सहारे उसमें टैप डाला जाता है, टैप मतलब बद्दी डाली जाती है, ये देखिए ऐसे फंसा के इसको अंदर घुसा दिया जाता है। इसका अमाउंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितने का ये मशीन आती है। कटने के बाद इसको इससे डाला जाता है इसके अंदर, और इसके बाद देखिए हर शीट के अलग अलग चप्पल स्लीपर बन जाते हैं। और मिनिमम ये आपको, ये देखिए अलग अलग वैरायटी के, जब ब्रांडेड भी आप बना सकते हैं। इसका जो मिनिमम कॉस्ट होता है 50 रुपये से, मतलब अच्छी अच्छी डिज़ाइन के आप स्लीपर्स बना सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मैं बता दूँ कि कैसे कैसे कितना कितना खर्चा आता है एक्चुअल में। एक चप्पल बनाने में आपको मिनिमम 40 रुपये लगते हैं, और कैसे जो शीट आती है 400 रुपये बंडल आती है, जिसमें आप 17 चप्पल्स आप बना सकते हैं, 17 पीसेस आप काट सकते हैं। कटिंग मशीन आती है 1 लाख की, प्रिंट आप करवाएंगे तो 2000 रुपये उसके लगेंगे। ड्रिलिंग मशीन जो आती है वो 8000 रुपये की आती है, और जो टैप आता है, टैप मारने वाली मशीन आती है, वो 30000 की आती है। मतलब आप स्ट्रिप देखें, जो आप बद्दी लगाते हैं वो बद्दी आपको 8 से 9-10 रुपये तक की आती है। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये आपको पड़ जाता है मिनिमम 15 रुपये का। 15 रुपये मतलब अगर आप किसी भी शॉप में अगर बेचते हैं तो आपको अगर 40 रुपये भी अगर शॉप वाले को आप देंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होता है। मतलब अगर आप 40 में देते हैं, सामने वाला अगर 60 में बेचेगा तो उसको ही बेनिफिट, आपको ही बेनिफिट। और मिनिमम मार्केट में 100 रुपये के स्लीपर्स तो बिकते ही बिकते हैं, उसमें आप टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपको 100% आपको गारंटी है कि आप इसमें पैसा बनाएंगे, कमाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आपको ऐसा चाहिए लगा कि हाँ ये सब मशीनें कहाँ मिलती हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे दूँगा, आराम से आप जाके परचेस कर लेना। 2.5 लाख रुपये तक की धनराशि में आप अच्छा खासा बिजनेस जमा सकते हैं, कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। टिल देन कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसको भी ज़रूर दबाना, साथ में बेल आइकन घंटे का बटन दबाने से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। टिल देन keep smile on your face and watch Baba's video. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.